दशहरे का पर्व है, बहुत ही पवित्र पर्व है और आज का दिन ये संकेत देता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है बुराई के ऊपर। इसलिए जहाँ जोर शोर से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन रावण दहन से पहले हमने महंगाई के राक्षस का पुतला जलाया है, बेरोजगारी के दानव का पुतला जलाया है, आतंक के दानव का पुतला जलाया है और ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा समाज को इनसे है। महंगाई का बड़े बड़े वादे किए इस सरकार ने, उसके बाद लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। आज जरूरी वस्तुओं की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल चुकी हैं और आम आदमी के लिए दो वक्त की रोज़ी मुहैया करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी तरीके से बेरोज़गारी भी जो है वो इतनी हो गई है जम्मू कश्मीर में जितनी आज तक देखने को नहीं मिली, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अनप्रेसिडेंटेड 21.6% हो गया है, जो आज तक किसी भी हुकूमत में देखने को नहीं मिला है। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो बेरोज़गार नौजवानों के सिरों के ऊपर मंडरा रहा है। और इसी तरीके से आतंकवाद के ऊपर भी अंकुश लगाने में भाजपा सरकार पूरे तरीके से असफल हुई है। इसीलिए आज हमने इन बुराइयों के खिलाफ, इन एंटी पीपल पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है अपने विरोध का इजहार किया है और ये कहना चाहते हैं कि रावण के दहन से पहले इन कुरीतियों को ख़त्म किया जाना चाहिए, इन बुराइयों को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इसीलिए हमने महंगाई का, आतंक का और बेरोज़गारी के राक्षस को यहाँ दहन उसका किया है और उसको जो है यहाँ जो हम इसी तरीके से इस दशहरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं।